दुनिया में बढ़ी मांग। 22 देशों ने 7 दिनों के भीतर ड्रोन खरीदने के लिए लगाई बोली। ईरानी ड्रोन से यूक्रेन पर कहर बरपा रहा है रूस। एक तरीके से यह डिस्प्ले हो गया शहीद 136 के लिए, और इसके लिए 22 देशों ने हफ्ते भर के अंदर बुकिंग करा ली। प्रोफेसर अमिताभ, सस्ता पड़ता है, किसको नहीं चाहिए? देखिए, ये जो ईरानियन कामिकाजे ड्रोन है वो बेसिकली अमेरिकन ड्रोन है। 2021 में सर्वेलेंस के दौरान इसको ईरानियों ने मार गिराया था। अब उसका रिवर्स इंजीनियरिंग करके ईरान खुद एक कामिकाजे ड्रोन बना दिया। तो आप ये समझ सकते हैं कि अब इम्पोर्टेंस एशिया का बढ़ रहा है। कैसे? नॉर्थ कोरिया से एम्यूनिशंस खरीदे जा रहे हैं, ईरान से कामिकाजे ड्रोन्स खरीदे जा रहे हैं, इसराइल से बातें हो रही हैं। तो इसमें यह भी दिखा रहा है, और इसमें फर्स्ट मूवर का भी एडवांटेज है रूस में पहली बार। ये जो आप बात कह रहे हैं सर, ये तो बहुत अहम कि ये भी असल में अमेरिका की ही लगाई आग है। आज आग उसके लोगों या उस तक पहुंच रही है, उसमें उसको तकलीफ हो रही है। एक और अहम खबर देखिए, शहीद 136, ये असल में अमेरिका का ही ड्रोन है। रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए इसको बना लिया गया, नाम दे दिया गया शहीद 136। क्या है ये? 22 देशों में इसकी ड्रोन की डिमांड बढ़ गई है। यूक्रेन में जमकर इसने तबाही मचाई है। ये रहा शहीद 136, बाकी ड्रोन की तुलना में बेहद सस्ता पड़ता है। ये एक ड्रोन करीब 16 लाख रुपए का। तो अगर आप टैंक्स के मुकाबले और बड़ी मिसाइल्स के मुकाबले इसकी कीमत देखें तो कुछ नहीं। रेज 2500 किलोमीटर, स्पीड 185 किलोमीटर प्रति घंटा, विंग स्पैन 2.5 मीटर, वजन 200 किलोग्राम, लंबाई 3.5 मीटर। सिवाज सर, सिर्फ 30 सेकंड। कि ये एक ऐसा आधुनिक ड्रोन है और बहुत सस्ता है, और इसीलिए इसकी डिमांड बढ़ी है। और ये देखें, और दूसरे ड्रोन, चाहे आप बकेतार देखें या स्विच ब्लेड ड्रोन देखें, उनके मुकाबले में वो बहुत कॉस्टली है और वो हैवी है। ये एक लाइट है और मैन्यूरेबल है, ये रडार से पकड़ा नहीं जाता, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये इजिली अवेलेबल है, ईरान से रिवर्स इंजीनियरिंग से बनाया हुआ है, और बहुत सस्ता और टिकाऊ है। तो मुझे लगता है इसकी डिमांड बढ़ेगी, और इससे हमें एक लेसन और सीखना चाहिए। देखो, आपने दिनेश हर चीज में चीन के हथियारों की बात नहीं हो रही, चीन कोई हथियार रूस को नहीं दे रहा। यह एक बड़ी विडंबना है और बहुत स्ट्रेंज चीज है। जब लड़ाई रूस और चीन की, रूस और यूक्रेन की हो रही है, जब साथ साथ है, कोई हथियार नहीं। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं सर, ये अहम खबर मैं अपने दर्शकों को दिखाऊं। आशीष, उसके बाद आपके पास आना चाहता हूं, क्योंकि ड्रोन के संदर्भ में हिंदुस्तान ने एक माइलस्टोन अचीव किया है। यहां तक कि एयरफोर्स चीफ ने उस व्यक्ति के पास जाकर उसका पता पूछा ना, उसका हालचाल लिया और कहा वाह तुमने कमाल किया।